नमस्कार, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में आज हम देखेंगे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, किस आधार पर आप पहचानेंगे कि आप डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे हैं, या आपका कोई मित्र या दोस्त या कोई भी आपके परिवार का सदस्य किसी डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है या नहीं। डिप्रेशन की पहचान का पहला सिम्टम है कि आपको चारों तरफ You have feelings of helplessness and hopelessness. आपको चारों तरफ बेचारगी और नाउम्मीदी नजर आती है। कोई आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ती। हर तरफ लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। चारों तरफ अंधेरा नजर आता है। ये hopelessness और helplessness depression का पहला लक्षण है। Depression का पहला symptom। दूसरा symptom है loss of interest in your routine work. रोज के कामों में आपका मन ना लगना, आपके पास टाइम, आपकी हॉबीज, आपकी सोशल एक्टिविटीज, आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जितने भी आपकी आउटवर्डली एक्टिविटीज थी, उन सभी में अब आपका मन नहीं लगता है। ऑफिस जाने को मन नहीं करता है, मित्रों में बैठने को मन नहीं करता है, आप बाहर की दुनिया से कटे कटे महसूस करते हैं। दिस फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम योर डेली एक्टिविटीज इज द सेकेंड सिम्टम। डिप्रेशन का तीसरा लक्षण है कि आपकी भूख और वजन, वेट एंड एपेटाइट, दोनों में यू विल फील ए मार्क्ड डिफरेंस। जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं, आपकी भूख या तो बहुत बढ़ जाती है या वो भूख बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आपके खाने के पैटर्न्स बदल जाते हैं, आपको बार बार भूख लगती है, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती, आपका वजन तेजी से बढ़ने लगता है, आपका वजन तेजी से घटने लगता है। क्योंकि जिस समय डिप्रेशन में आप होते हैं, आपके शरीर को उस समय ग्लूकोज की उच्च मात्रा की, ग्लूकोज की हाई क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। आपका शरीर आपके खून से ग्लूकोज ले लेता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक इंटरनल फाइट चल रही है। उस फाइट में लड़ने के लिए आपका शरीर अधिक ग्लूकोज की मांग करता है, इसलिए आपकी भूख बढ़ जाती है। लेकिन जिन लोगों को फाइट में ना जाने का विकल्प रहता है, उन लोगों का ग्लूकोज लेवल खून में कम नहीं होता और उनको भूख कम हो जाती है। और क्योंकि भूख के अनुसार जैसे आप खाएंगे पिएंगे, तो उसी के अनुसार आपका वजन घटेगा या बढ़ेगा। तो आप ये ध्यान रखें, तीसरा लक्षण है डिप्रेशन का कि आपकी भूख और आपका वजन दोनों आपके नॉर्मल रेंज से अधिक घटने या बढ़ने लगते हैं। डिप्रेशन का चौथा लक्षण है आपकी नींद में बदलाव आ जाता है। देयर इज ए चेंज इन योर स्लीप पैटर्न। आइदर यू स्टार्ट स्लीपिंग मोर और योर स्लीप इज कंप्लीटली लॉस्ट। या तो आप बहुत ज्यादा सोने लगते हैं या बिल्कुल नींद गायब हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि डिप्रेशन के कुछ गहरे क्षणों में आप सारा दिन सोते रहते हैं, और इसको आपके एक्सपर्ट हाइपरसोमनिया कहते हैं। हाइपरसोमनिया अर्थात लगातार ऊँगते रहना, उन्हीं बने रहना। डिप्रेशन में आपकी नींद के पैटर्न में भारी परिवर्तन देखने में आता है। पांचवा सिम्टम आप जो डिप्रेशन के दौरान देखते हैं, वो आपके गुस्से और चिड़चिड़ाहट का है, एंगर और इरिटेबिलिटी का है। आपका मूड परिवर्तन हो जाता है, आपके भीतर क्रोध भर जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, आपके भीतर एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और आप बेतुका सा, बड़ा अजीब सा हिंसक व्यवहार करने लगते हैं। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, लेकिन आप दूसरों का सामना करने से बचने लगते हैं। गुस्सा आएगा, सामना नहीं करेंगे, गुस्सा आएगा, सामना नहीं करेंगे। डिप्रेशन के वक्त हर बात, हर इंप्रेशन आपके दिल को छूने लगता है। यू बिकम मोर टची। आपको लगता है कि कोई भी बात आपको छेड़ने के लिए कही गई है। ये डिप्रेशन का पांचवा लक्षण है। डिप्रेशन का छठा लक्षण है आपके शरीर में शक्ति की बहुत कमी महसूस होती है। यू ऑलवेज फील ए लॉस ऑफ एनर्जी। यू फील फटीग्ड, यू फील ड्रेन्ड। आपको लगता है कि आपका शरीर थक गया है, आपके भीतर ताकत नहीं बची है, कुछ भी काम करने की ताकत नहीं बची है। काम करने के लिए आप चलना चाहते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, टूटा रहता है। इस अवस्था को आप अपने डिप्रेशन की छठी पहचान मान सकते हैं। दिस इज द सिक्स्थ सिम्टम ऑफ योर डिप्रेशन। डिप्रेशन का सातवां लक्षण है आत्मग्लानी।
कल भी हमने इसके बाबत बात की थी, सेल्फ लोडिंग, सेल्फ कंडमनेशन। आप अपने आप को लेकर ग्लानी से भर उठते हैं, आपको लगता है कि आपको सही ढंग से इवेल्युएट नहीं किया गया है, कोई आपके मूल्य को समझ नहीं पा रहा है, आप खुद के प्रति ही नकारात्मकता से भर जाते हैं। डिप्रेशन में आपका आठवां सिम्टम है, आपका व्यवहार विचित्र हो जाता है, योर बिहेवियर बिकम्स क्वाइट रेकलेस। कई बार आप बहुत तेज गाड़ी चलाने लगते हैं और कई बार आप गाड़ी चलाते चलाते अपने विचारों में खो जाते हैं। आप सावधानी का भी ध्यान नहीं रखते हैं, जो सड़क पर चलते हुए आपको सावधानी बरतनी चाहिए उतनी सावधानी भी आप नहीं देते हैं। गाड़ी टकराते टकराते बचती है, आपकी बाइक दूसरों को हिट करते करते बचती है, आप दूसरी गाड़ियों के नीचे आते आते बचते हैं। इस प्रकार का व्यवहार आपके प्रति बाहर की दुनिया में खतरों को बढ़ा देता है, आपका रेकलेस बिहेवियर हो जाता है। इस रेकलेस बिहेवियर को आप अपने डिप्रेशन की आठवीं पहचान मानिए। डिप्रेशन की नौवीं पहचान, नाइन्थ सिम्टम ऑफ योर डिप्रेशन, इज द प्रॉब्लम इन कंसंट्रेटिंग योर थॉट्स। आपको अपना विचार केंद्रित करने में बहुत मुश्किल आती है, आप अपने किसी काम को मन लगाकर नहीं कर पाते हैं, ऑफिस का काम हो, आपकी पढ़ाई का काम हो, आप उसमें अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आपको चीजों के, जगहों के, व्यक्तियों के नाम याद नहीं रह पाते हैं और आपको लगातार भूलने की बीमारी होने लगती है। आप कोई निर्णय लेने के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाते हैं, क्योंकि निर्णय लेने के लिए आपको जिन तर्कों की, जिन आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिस विश्लेषण की जरूरत पड़ती है, आपका दिमाग उस एनालिसिस को करने के लिए तैयार नहीं होता, आपका दिमाग विचारों को कंसंट्रेट करने के लिए तैयार नहीं होता और इस तरह की मुश्किलें, फैसले लेने में आपको मुश्किलें आने लगती हैं। ये हमारे डिप्रेशन का नौवां लक्षण है। डिप्रेशन का दसवां लक्षण है, आपके शरीर में कुछ अज्ञात किस्म के, अनजान किस्म के दर्द और ऐंठन और मरोड़ होने लगती हैं। अनएक्सप्लेन्ड काइंड्स ऑफ पेन्स, एक्स एंड स्टिफनेस अपीयर्स इन योर बॉडी। आपके हाथों पांवों में आमतौर से देखने में आता है कि आपको ऐंठन होने लगती है, आपके पेट में, खासतौर से जहां छाती के साथ पेट मिलता है, पिट ऑफ द स्टोमक में, आपको लगातार लगता है कि जैसे किसी ने आपको जकड़ लिया है। आपके पेट में मरोड़ पैदा होती है, आपके पेट में अजीब सी सेंसेशन चलती रहती है, आपके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। ये आपके डिप्रेशन का दसवां लक्षण है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम अपने डिप्रेशन में कैसे झांक के देख सकते हैं। आज हमने देखा कि हमारे शरीर पर डिप्रेशन उतर रहा है, इस बात को पहचानने के लिए हमारे पास क्या लक्षण है, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनके द्वारा हम जान पाएंगे कि हमारे शरीर पर अब डिप्रेशन उतर रहा है। लेकिन डिप्रेशन के बाद एक रिवाइवल की जरूरत होती है और रिवाइवल किया भी जाता है, तो डिप्रेशन के बाद रिवाइवल करने की जो तकनीकें हमारे पास हैं उनके बारे में हम अपने अगले वीडियोज में बात करेंगे। और वो जो रिवाइवल है, उस रिवाइवल को हम कई एस्पेक्ट से देखेंगे, जो आपके मेडिटेशनल तरीके हैं, जो आपके मेडिकेशनल तरीके हैं, जो आपके स्पिरिचुअल तरीके हैं, या और कोई अन्य प्रकार का तरीका है, हम उन सभी तरीकों पर विचार करेंगे, लेकिन वो अपने अगले वीडियोस में करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ यहीं तक, अगली बार मिलने तक नमस्कार।